वेलकम स्टूडेंट। तो हम लोग कर रहे थे डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल के क्वेश्चन, जो कि प्रीवियस लेक्चर में हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हुए थे। अगर वो नहीं देखे तो प्लीज उस लेक्चर को देख लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए। तो आज जो लेक्चर होने वाली है वो लेक्चर होने वाली है 8। इसमें जो क्वेश्चन दिया गया था ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा जाता है, बट थोड़ा लेंदी है, इसको प्रूफ करना रहता है। मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड जो होगा वो बोथ सर्कल देख रहे हैं कि क्वेश्चन दिख रहा है ना, ठीक है। तो अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोग देखेंगे ना 2-3 साल का, अगर नहीं देखे तो मेरे चैनल में अपलोड है, प्लेलिस्ट बना हुआ, तब जाके देख सकते हैं। और देखे होंगे तो देखे होंगे कि ये जो क्वेश्चन है 2 मार्क्स में पूछा गया, तो इसका सॉल्यूशन किस तरीके से होगा हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। उससे पहले जो भी मेरे चैनल पर नया है प्लीज इनको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना तो बनता है, है ना। तो चलिए सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए ये जो लेफ्ट साइड है, अगर हम जैसे कि देखते हैं a इक्वल टू अगर 3 निकल गया वैल्यू, ठीक है, एंड b इक्वल टू 3 निकल गया वैल्यू, तो क्या हम बोल सकते हैं कि a इक्वल टू b हो सकता है? हो सकता है, डेफिनेटली इक्वल टू b हो, क्योंकि राइट साइड अगर इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से इसको प्रूव करना है, हम पहले फाइंड आउट कर लेंगे इसकी वैल्यू, देन उसके बाद फाइंड आउट कर लेंगे इसकी वैल्यू। अगर दोनों का वैल्यू सेम हो, जैसे कि यहाँ 3-3 आ गया, तो दोनों का वैल्यू अगर सेम आ गया तो क्या होगा, लेफ्ट साइड भी इक्वल होगा, मीन्स ये दोनों भी इक्वल होगा। और इसमें क्या डिफरेंस है नजर आ रही है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में डिफरेंस ओनली फॉर ये है dx और dy, मतलब dy के रिस्पेक्ट में पहले करेंगे फिर बाद में dx के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे dx के रिस्पेक्ट में पहले करेंगे dy के बाद में, ठीक है। एंड लिमिटिंग जो है सेम है, x का लिमिटिंग सेम है, y का लिमिटिंग सेम है, बस आगे पीछे हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करनी है और दिखाना है कि दोनों इक्वल होगा। हाँ डेफिनेटली इक्वल होगा, ठीक है, प्रूफ करने के लिए इसीलिए तो दिया गया है। ये सब जो क्वेश्चंस होते हैं ना प्रूफ वाले क्वेश्चंस, तो बहुत इजी होते हैं, क्योंकि इसमें आपका आंसर का मतलब ऑर्डर नहीं रहता है कि आंसर क्या होगा हमारा, लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल निकल गया, बस आंसर आ गया हमारा, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। सॉल्यूशन में लिखेंगे वी टेक, ठीक है, या वी फाइंड लिख देते हैं। वी फाइंड क्या करना है, सबसे पहले ए टू मतलब इंटीग्रेशन ए टू बी, ठीक है, लिमिटिंग पॉइंट, एंड सी टू डी क्या दिया हुआ है, एक्स वाई प्लस में ई टू द पावर 4 और यहाँ पे है डी वाई डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन। अब वाई के रिस्पेक्ट में होगा तो यहाँ पे होगा दिस टर्म एंड इसका भी होगा इंटीग्रेशन। अब देखिए ये बात आ जाती है कि ई टू द पावर 4, ई टू द पावर अगर एक्स रहता ना उसका इंटीग्रेशन हो जाता है क्या, ई टू द पावर एक्स, ठीक है। एक्सपोनेंशियल का पावर अगर वेरिएबल में रहता है तब जाके इंटीग्रेशन करते हैं, वेरिएबल में नहीं रहता है तो इंटीग्रेशन किसका करेंगे। तो ये तो हमारा कांस्टेंट टर्म जैसा ट्रीट हो गया ना, ए टू द पावर 4 जो है वो कांस्टेंट टर्म ट्रीट है, ठीक है, तो ये कांस्टेंट टर्म हो गया है। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा, देखिए यहाँ पे जो है इसको आई से डिनोशन कर सकते हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन ए टू बी एंड इस टर्म का क्या है वाई के रिस्पेक्ट में, तो वाई यहाँ पे है एक्स, तो हमारा कॉन्स्टेंट जैसा ट्रीट होगा। y का इंटीग्रेशन होता है y स्क्वायर डिवाइड में 2 प्लस यहाँ पे क्या होगा ए टू द पावर 4, ये कांस्टेंट जैसा ट्रीट होगा, कांस्टेंट के साथ इंटीग्रेशन करेंगे तो जो इंटीग्रेशन कर रहे वो टर्म आता है ना हमारे साथ y आ जाएगा, एंड इसकी जो लिमिटिंग पॉइंट है वो सी टू डी है एंड dx के रिस्पेक्ट में, तो एक बार करना बनता है, बनेगा ही, ठीक है, ये टर्म हो गया। नाउ देखिए आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी, अब यह करना है डी जो है वो वाई के जगह पे लिखना है और फिर माइनस ये करना है सी लिखना होगा वाई के जगह पे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा एक्स, यहाँ वाई स्क्वायर है, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे डी स्क्वायर वाई में 2 एंड माइनस वाई के जगह पे सी लिखेंगे ना, तो यहाँ पे हो जाएगा सी स्क्वायर वाई में 2, ठीक है, प्लस फिर क्या करना है ई टू द पावर 4 वाई के जगह पर डी लिखेंगे माइनस ई टू द पावर 4 वाई के जगह पे सी एंड दिस वन इंटीग्रेशन होगा डी एक्स के रिस्पेक्ट में, क्लियर। नाउ दिस इज आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी, अब सॉल्व करते हैं इसको, तो सॉल्व कुछ होगा क्या, दिख रहा है क्या सॉल्व होगा, कोई कैंसिल आउट हो रहे हैं, कोई कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो इसको सॉल्व अब क्या करें, कोई कैंसिल आउट ही नहीं हो रहा है, तो अब क्या कर सकते हैं, नॉर्मली देख रहे हैं कि ये एक्स के टर्म में ये हमारा बन गया ना, एक्स यहाँ पे, एक्स यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ तो ये तो कॉन्स्टेंट टर्म होगी, डी जो है वो कॉन्स्टेंट टर्म ट्रीट होगा, फिर यहाँ पे देख रहे सी जो है वो कांस्टेंट टर्म ट्रीट होगा, तो मींस क्या होगा, अब एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना होगा, तो एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई में 2 और ये कांस्टेंट टर्म डी स्क्वायर वाई में 2 ये तो रहेगा ही, ठीक है। यहाँ पे भी क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए एक्स है तो एक्स स्क्वायर वाई में 2 एंड इसके साथ है सी स्क्वायर वाई में 2,
प्लस ये जो है ये पूरा कॉन्स्टेंट टर्म ट्रीट है, ई टू द पावर 4d, इसके साथ क्या होगा एक्स होगा, फिर माइनस है, ये कॉन्स्टेंट टर्म ट्रीट होगा तो इसके साथ क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, लिमिटिंग पॉइंट जो है ए टू बी लिमिटिंग पॉइंट है हमारा, ठीक है। ये निकल के आ गया, नाउ इसको हम इरेज कर दे रहे थोड़ा, ओके देखिए इजी है, ठीक है बहुत इजी है, बस इंटीग्रेशन ही करते जाने। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ क्या हो रहा है, फोर हो जाएगा ना मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई में यहाँ पे फोर माइनस यहाँ पे एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर पाई में क्या होगा फोर प्लस यहाँ पे जो है ई टू द पावर 4dx फिर माइनस सॉरी एक्स हाँ फिर माइनस क्या होगा ई टू द पावर 4cx हो जाएगा एंड लिमिटिंग जो है वो लिमिटिंग पुट आउट करेंगे ए टू बी। तो पहले क्या होगा बी होगा एक्स के जगह पर पुट आउट फिर माइनस क्या होगा ए वाला पुट आउट होगा जो फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर डी स्क्वायर बाई में फोर माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर डी स्क्वायर बाई में फोर फिर माइनस यहाँ पे क्या होगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर बाई में फोर एंड ये माइनस में था तो फॉर्मूला में यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा ये माइनस में होगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर बाई में फोर ये ब्रैकेट में रख लेते हैं, ठीक है। फिर प्लस यहाँ पे ए टू द पावर 4db माइनस ए टू द पावर 4dc फिर ये माइनस में है ए टू द पावर 4c और क्या है b हो जाएगा और ये ब्रैकेट में ही रख लेते हैं इसको भी माइनस फॉर्मूला में ca ये दिख रहा है कि नहीं, मैं थोड़ा सा चेक कर लेती हूँ राइट साइड में दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है ना हाँ ये हमारा हो गया, ठीक है ना। ये हम इरेज कर देते हैं नैन, तो यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं अगर तो क्या होगा बी स्क्वायर डी स्क्वायर बाई में फोर माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर बाई में फोर ये माइनस हो जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर बाई में फोर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर बाई में फोर एंड ये हमारा ई टू द पावर 4db माइनस ई टू द पावर 4dc माइनस ई टू द पावर 4cb ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ई टू द पावर 4ca, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई वैल्यू जो कि हमारा क्या है ये दिस वन इसका इंटीग्रेशन किए तो ये वैल्यू हमारे पास आया, ठीक है। तो इक्वेशन वन इसे कंसीडर कर लीजिए इक्वेशन वन और यहाँ से लिखेंगे इक्वेशन वन। नाउ अब क्या करना है किसका इंटीग्रेशन करना है तो दिस वन सी टू डी एंड इंटीग्रेशन ए टू बी एक्स वाई प्लस ए टू द पावर 4 एंड यहाँ पे होगा x के रिस्पेक्ट में पहले फिर y के रिस्पेक्ट में बाद में होगा, ओके देन तो i इक्वल टू क्या लिखेंगे हम c2d एंड x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x का इंटीग्रेशन क्या होगा x स्क्वायर y में 2 ये हमारा y कांस्टेंट टर्म एंड ये कांस्टेंट टर्म इसके साथ क्या हो जाएगा x हो जाएगा एंड लिमिटिंग पॉइंट जो है वो क्या है हमारा a टू b और y के रिस्पेक्ट में तो रहेगा, ठीक है। दिस वन एंड दिस इज इक्वल टू यहाँ पे एक बार और चेक कर लेती हूँ मैं दिख जाएगा, ठीक है। दिस इज आई इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन सी टू डी देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट आउट करेंगे ना बी तो बी स्क्वायर वाई में टू वाई माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर वाई में टू वाई फिर प्लस ई टू द पावर 4 एक्स की जगह पे बी हो जाएगा माइनस ई टू द पावर 4 एक्स की जगह पे ए हो जाएगा और किसके रिस्पेक्ट में होगा डी वाई वाई के रिस्पेक्ट में अब होगा, ठीक है। देन ऊपर इरेज कर रहे हैं इक्वेशन वन को हम रहने देते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे ज्यादा इरेज कर दे रहे हैं देन तो यहाँ अब क्या होगा कि देखिए वाई है कोई कैंसिल आउट हो नहीं रहा है तो अब वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं तो वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा ये बी स्क्वायर टू तो रहेगा वाई का हो जाएगा वाई स्क्वायर वाई में टू फिर यहाँ पे देख रहे ए स्क्वायर वाई में टू है वाई का क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर वाई में टू एंड ई टू द पावर 4 बी ये वाई आ जाएगा माइनस ई टू द पावर 4 ए है तो यहाँ पे भी वाई आ जाएगा और इसकी जो लिमिटिंग पॉइंट है वो क्या है सी टू डी है बस लिमिटिंग पॉइंट को पुट आउट करनी है वाई की जगह पे तो यहाँ पे बी स्क्वायर डी स्क्वायर वाई में 4 और इसका माइनस होगा यहाँ पे बी स्क्वायर ये टर्म सी स्क्वायर वाई में 4 फिर माइनस ए स्क्वायर और वाई की जगह पे हो जाएगा डी स्क्वायर वाई में 4 माइनस
ए स्क्वायर सी स्क्वायर वाई में फोर, ये टर्म प्लस ए टू द पावर फोर बी डी माइनस ए टू द पावर फोर बी सी माइनस ए टू द पावर फोर ए डी एंड माइनस ए टू द पावर फोर ए सी। तो ये टर्म हमारा हो गया, देन दिस इज इक्वल टू, अब क्या करना है ब्रैकेट से बाहर कर लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा y में 4 b स्क्वायर c स्क्वायर y में 4 माइनस a स्क्वायर d स्क्वायर y में 4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा a स्क्वायर c स्क्वायर y में 4, दिख रहा है सेम यही आ रहा है ना हमारे पास, देखें बन के यही आ रहा है, देन प्लस ए टू द पावर फोर बी डी माइनस ए टू द पावर फोर बी सी माइनस ए टू द पावर फोर ए डी माइनस माइनस प्लस हो गया ए टू द पावर फोर ए सी। तो देख पा रहे हैं सेम है, इसे इक्वेशन हम टू कंसीडर कर लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू हम क्या देख पा रहे हैं कि बोथ आर इक्वल हो रही है ना, देखिए वैल्यूज जो है वो सेम वही है, देखिए सेम वही है ना, तो दिख रहा है ना सेम वही है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लैंग्वेज फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू हेंस वी गेट क्या मिलेगा, तो इंटीग्रेशन ए टू बी इंटीग्रेशन सी टू डी एक्स वाई प्लस क्या था हमारे पास ई टू द पावर फोर डी वाई डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन सी टू डी इंटीग्रेशन ए टू बी एक्स वाई प्लस ई टू द पावर फोर डी एक्स डी वाई आर इक्वल, दिस वन इज द इक्वल, दिख रहा है कि इक्वल का सिंबल है। तो इस तरीके से प्रूव किया जाता है, एंड ओनली फॉर ये टू मार्क्स आपको मिलने वाले, उससे ज्यादा नहीं मिलने वाले, टू मार्क्स में पूछा जाता है, मे बी वो फोर मार्क्स का आप लोग का पैटर्न है तो फोर मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कर दीजिए।